अलाउद्दीन का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, इतिहास में इनकी शौर्य गाथा के कई चर्चे हैं, लेकिन इनकी कहानी से लोग वाकिफ नहीं है। ये कहानी है साहस की, वीरता की और एक ताकतवर रणनीतिक सोच की। लेकिन बात अगर बुंदेलखंड के लोगों की जाए तो यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जुबा पर ये कहानी बैठी हुई है। ये कहानी है 12वीं सदी की और भारत के मीडियवल पीरियड की। ये वक्त था महोबा पर राज करने वाले राजा परमार के शासन का। कहानी कहती है कि एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए निकले, जहाँ एक जंगली भैंसे ने उनके ऊपर हमला कर दिया। भैंसे की ताकत के आगे राजा की सेना डर गई और वहां से भाग गई। तभी भैंसे ने राजा को निशाना बनाना चाहा, लेकिन तभी अचानक राजा की जान खतरे में देखकर दो लड़के झाड़ियों के पीछे से निकलकर अचानक आते हैं और भैंसे को किसी गेंद की तरह उछालकर फेंक देते हैं। दोनों लड़कों की ये ताकत देखकर राजा परमार दंग रह गए। इसके बाद राजा ने दोनों के बारे में पता लगाया तो पता चला कि दोनों बाबा गोरखनाथ के चेले हैं। इसके बाद राजा बाबा गोरखनाथ के पास गए और दोनों लड़कों को अपने राज्य की रक्षा के लिए मांग लिया। बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों लड़कों को राजा के हवाले कर दिया और अब राज्य की सुरक्षा और नीतियों की जिम्मेदारी दोनों लड़कों के कंधों पर थी। ये लड़के थे दक्षराज और बक्षराज। राजा ने दोनों को एक छोटा एरिया रहने के लिए दे दिया और वहीं रहकर दोनों ने महोबा की रक्षा की। धीरे धीरे वक्त गुजरा और महोबा को बुंदेलखंड में पहचान मिलने लगी। लेकिन एक वक्त महोबा पर काल बनकर बरसा। असल में महोबा पर उरई के परिहार कहे जाने वाले मामा माहिल के दिमाग में खुराफात जागी। कहा जाता है कि महोबा कभी मामा माहिल का हुआ करता था, जिसे राजा परमार ने जीता और माहिल की बहन से शादी कर ली, और तभी से माहिल के मन में राजा के खिलाफ खुन्नस थी। लेकिन एक दिन माहिल ने जम्बे के राजकुमार और माणवगढ़ के सुल्तान करिंगा राय के साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई। माहिल ने राजा करिंगा से महोबा को तहस नहस करवा दिया और करिंगा ने सोते हुए दक्षराज और बक्षराज का सिर भी काट कर धड़ से अलग कर दिया। अब महोबा साम्राज्य पूरी तरह से लुट चुका था और दोनों लड़कों के बिना अब महोबा बेसहारा हो गया था। लेकिन अब महोबा फिर से ऐसे ही किसी शूरवीर के इंतजार में था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दक्षराज की पत्नी ने आला को जन्म दिया है और ऊदल उसके गर्भ में थे, और इधर बक्षराज की पत्नी तिलका मलखान को जन्म दे चुकी थी। हालांकि वक्त बीता और सभी बच्चे बड़े हुए। 18 साल की उम्र में आला जंगल के रास्ते उरई की सीमा तक जा पहुंचे। ये इलाका मामा माहिल का था, जहां उनका सामना माहिल के बेटे अभय सिंह से हुआ। तभी दोनों के बीच जंग हुई और इस जंग में अभय दोनों हाथ गंवा चुका था। इसके बाद जब ऊदल को सारी बात पता चली कि उनके पिता की हत्या कैसे की गई और किसने की, तो ऊदल ने ठान लिया कि वो पिता की मौत का बदला जरूर लेंगे। और उन्होंने कहा कि जिसका बैरी सुख से सोए उसके जीवन को धिक्कार है। इसके बाद ऊदल ने अकेले ही माणवगढ़ पर हमला कर दिया। इस हमले में ऊदल के साथ आला, मलखान, देवा, धांधू और बनारस के पठान चाचा सैयद भी थे। हालांकि माणवगढ़ का राजा करिंगा बेहद ताकतवर था और उसके पास भी शूरवीरों की सेना थी, और बस सामने वाली सेना की ताकत का पता लगाने के लिए आला और ऊदल ने सन्यासियों का भेष रखा और जगह जगह भजन गाते हुए भ्रमण करने लगे। माणवगढ़ की प्रजा उनके गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध होने लगी। तभी ये बात महारानी को पता चली और उन्होंने इन सभी को अपने दरबार में गाने के लिए बुला लिया। रानी के बुलावे पर सभी लोग गाने के लिए दरबार पहुंचे, जहां ऊदल के गीतों को सुनकर राजकुमारी ब्रजमा मोहित हो गई और राजकुमारी ने सन्यासियों के बारे में पता लगाना चाहा। हालांकि रानी ने ऊदल को पहचान लिया था, जिसे उसे बचपन में एक विवाह समारोह के दौरान देखा था और उसे मन ही मन अपना प्रेमी मान लिया था। इसके बाद राजकुमारी ने ऊदल से यहाँ आने की वजह पूछी। ऊदल ने सारी बात राजकुमारी को बताई और ये भी बताया कि माणवगढ़ वो क्यों आए हैं, उनकी पिता की हत्या कैसे की गई। ऊदल की मंशा जानकर राजकुमारी ने इस काम में उनका साथ देने की बात कही, लेकिन बदले में ऊदल से शादी करने का वचन रखा। इधर ऊदल ने भी शादी करने का वचन दे दिया। राजकुमारी ने महल की सुरक्षा के सारे राज ऊदल को बता दिए और अब आला और ऊदल की सेना माणवगढ़ की टाइट सिक्योरिटी को पूरी तरह से जान चुकी थी और फिर बनाई गई एक रणनीति। इसके बाद माणवगढ़ पर हमला किया गया और इस लड़ाई में महोबा के वीरों की जीत हुई। राजा करिंगा को मारकर आला, ऊदल और मलखान ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया, और ऐसा कहा जाता है कि जंग जीतने के बाद जब ऊदल महोबा जाने लगे तो राजकुमारी ब्रजमा भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी, जिस पर मलखान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो लड़की अपने परिवार की नहीं हो सकी वो हमारा क्या साथ देगी, वो आगे भी ऐसा कर सकती है। इसीलिए इतना कहकर मलखान ने अपनी तलवार से राजकुमार की हत्या कर दी, जिसके बाद सभी शूरवीर अपने राज्य के लिए वापस लौट गए और इस तरह इस चैप्टर का अंत हो गया।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी पसंद के टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड इंडिया हिंदी।